हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। हमारे यहाँ पे कैट कैम और सीएनसी मशीन में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। जो हमारे पहले सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है उसको भी बताना ज़रूरी है। अभी ये हमारे स्टूडेंट हैं क्रीडन, इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है, कल ही कम्प्लीट हुआ है। तो इनका रिव्यू जानेंगे कि भी ट्रेनिंग किस तरह की रही और क्या क्या उन्होंने सीखा, ठीक है, और भी क्या करते हैं, राइट। तो आपको बताना है कि आपकी ट्रेनिंग कैसी रही, आपने उसमें क्या सीखा और कैसा लगा। ओके, हाय, मेरा नाम क्रीडन है, ठीक है। मैं यहाँ पे कल ही सीएनसी का मशीन का जो ऑपरेशन है वो सीखने का कंप्लीट कोर्स हुआ है मेरा कल। मैं यहाँ पे 3-4 महीने पहले आया था। जैसे सर ने गूगल पे डाला हुआ है कि सीएनसी मशीन का जो पूरा ऑपरेशन है प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, 3-4 महीने पहले मैं यहाँ पे आया था। फिर दिवाली के टाइम पे क्या है, थोड़ा वर्कलोड इंडस्ट्री में ज़्यादा रहता है, इसलिए मैंने सर से पूछा था कि क्या मैं ब्रेक के बाद दिवाली 1 महीना ब्रेक लेके दिवाली के बाद कंटिन्यू कर सकता हूँ। सर ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं दिवाली के बाद वापस ज्वाइन किया था फिर से, और अभी कल ही मेरा सीएनसी मशीन का जो पूरा ऑपरेशन है प्रैक्टिकल के साथ प्रोग्रामिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गया है मेरा। और सर सब अच्छा सिखाते हैं, और आप भी अगर सीएनसी सीखना चाहते हो तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं टेक्नोकेड, जो सीएनसी पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है वो कहाँ पे होता है, ऑटो के पास होता है, पूरा आपको एड्रेस वगैरह गूगल पे मिल सकता है। अभी आपको ट्रेनिंग कैसा लगा यहाँ पे, मतलब क्या क्या ऑपरेशन सीखे वो बता दो। यहाँ पे सीएनसी प्रैक्टिकल में यहाँ पे टर्निंग, फेसिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग सब ऑपरेशन, यानी A to Z पूरा प्रोग्रामिंग के साथ पूरा सीखने को मिलता है यहाँ पे। और आप इंडस्ट्री में यहाँ से सीख के जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि कोई भी जगह पे आप अटक नहीं जाओगे कि ये मुझे नहीं आता, यहाँ पे पूरा आप सीख के जाओगे। स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या है, इन्होंने 4 महीने पहले यहाँ पे ज्वाइन किया था। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ना डाउट रहता है कि हम वहाँ पे कोर्स कंप्लीट करेंगे, अगर हमारा 1 मंथ में कंप्लीट ना हुआ तो, या 2 मंथ में कंप्लीट ना हुआ तो कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं पे करना पड़ेगा, या दोबारा हम क्लास लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। तो जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने 4 मंथ पहले ज्वाइन किया था, बीच में क्या हुआ इनकी इंडस्ट्री में दिवाली पे क्या थोड़ा काम का बर्डन आ गया, तो इन्होंने बीच में स्किप किया और अभी दिवाली के बाद से फिर से ज्वाइन किया। अब दिवाली के बाद से लेके कल तक इन्होंने साथ कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट्स, आप भी चाहो तो हमारे यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट हमारे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्लस प्रोग्रामिंग दोनों का ही रहता है, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी डेली 2 आवर्स पर डे की क्लास रहती है, और जो आउट ऑफ अहमदाबाद के स्टूडेंट्स हैं अगर वो हमारे यहाँ कोर्स करने आते हैं तो क्या होगा, उनका 4 से 5 घंटे का डेली का क्लास रहेगा और टोटली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। हमने स्पेशली जो सीएनसी मशीन रखी हुई है ना वो सिखाने के लिए रखी हुई है। ओके, तो अगर आप चाहो तो हमारे यहाँ पे अगर आउट ऑफ अहमदाबाद से हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो, और अहमदाबाद से हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों ही प्रोविज़न है। जो आउट ऑफ अहमदाबाद के स्टूडेंट्स हैं उनका रहने का और खाने पीने का जो अरेंजमेंट है वो हम अपने एंड से ही कर देते हैं, खाली उसको पहले एक कन्फर्मेशन देनी रहती है ताकि हमें भी क्लियर हो जाए कि स्टूडेंट्स ने आना है। ओके, तो जो भी हमारे यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकता है, और आगे का जो भी कुछ उसको पूछना हो, रहने का या खाने पीने का या ट्रेन में क्या रहेगा क्या मिलेगा, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उसके लिए वो मेरे साथ क्वेरी कर सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।